अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है? आज सैटरडे मॉर्निंग है और मेरे बाल देखो यार, अभी मैं नहा के फ्रेश होके निकला हूँ और मेरे बालों का ये हाल है। अरे बाल बहुत ज़्यादा मेरे, पता नहीं क्या सिल्की हुए हैं यार। कटिंग करवानी है, टाइम नहीं मिल रहा। अभी कुंडी खोल गया, रुको यार कुंडी खोलने दो। ओके जी, सो सैटरडे मॉर्निंग है यार और अभी उठा थोड़ी देर पहले, आज लेट उठा था तो मैंने सोचा यार कुछ चीज़ों पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और साथ में थोड़ी सी आपसे भी बात कर लेते हैं। अब यार मैं बैग क्यों लेने आ रहा हूँ, मतलब बैग तो ये होल्ड हो, इसे बोतल लेने आया था, शेकर बोतल। और ये देखो, दो सुबह है, उसने एक गाड़ी इधर पार्क की है, दो गाड़ियाँ वो पार्क की है। ये अपनी घर की पार्किंग, ये गेट लगा गए, ये हम अंदर घुस। काफ़ी बड़ा बैक लॉन है यार इसका, वो पीछे एंड तक जाता है, वो एंड तक पीछे जा रहा है। तो खैर, ये दोस्त की गाड़ी यूट है, ये हम आ गए घर। चलो यार थोड़ा सा हल्का फुल्का खाएं फिर आपसे बात करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी, उसकी रीज़न ये है कि ब्लैक कॉफ़ी जो होती है वो अच्छी होती है, आपको कैफीन देती है मॉर्निंग में। खाली पेट आपने ही पीना, आपका वेट वैसे नीचे आ जाएगा। अब यार इसका स्विच कर दिया। ओके, और कॉफ़ी मेरी ये खाली पेट पीना, अभी मैं उठाऊँ क्योंकि कुछ भी नहीं खाया मैंने, कप सीधे पड़े होंगे। तोड़ दे बेटा, सब कुछ तोड़ दे आज। ओके रुको यार मैं डाल, कुछ नहीं हॉट वाटर, भाई थोड़ी सी कॉफी डाल देंगे यार, कॉफी जो है वो अच्छी होती है। बस इतनी सी लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कैफीन होती है यार, ये भी माइंड में रखें। थोड़ी सी और डाल दूँगा, थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी शहद। शहद भी हो गया, अब इसमें गर्म पानी दिखा दो ना आपको, डाइट का सबसे अच्छा हिस्सा ये है। ये खाओ, वेट को ही नीचे लाओ। इसको दो तीन मिनट पढ़ ले, पढ़े रहने दो, तब तक जो है ना थोड़ी सी एनर्जी ले। अच्छा तो मैं यार मॉर्निंग में जो है ना सुबह सुबह कुछ खाने को दिल नहीं करता है। लड़के मुझे पूछते हैं यार कि ना बॉर्डर्स कब खुलने, मैंने कहा यार मुझे खुद पता था तो मैं आपको बता देता, ज़रूर बताता, लेकिन जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यार बॉर्डर्स की, सही है, लेकिन आज ना दो तीन चीज़ों पर बात इकट्ठी करेंगे
कि बॉर्डर्स का क्या होगा और इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, स्टूडेंट्स के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, वो और कौन से ऑप्शंस हैं जिन पे वर्कआउट कर सकते हैं, सही है। लेकिन गाइस कीप इन माइंड एक चीज़ को यार, अपने माइंड में रखना। आप देखो मुझे इंस्टा पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, सही है, और मैं जब लोगों को एक अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लड़कों के ना जो आगे से बिहेवियर यही नज़र आते हैं कि नहीं यार हमने ऑस्ट्रेलिया ही आना है। दैट्स ये जो है ना, ये चीज़ गलत है। मीन्स कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखो यार, होल्ड ऑन, से बात कर रहा था लेकिन थोड़ा सा बात को रोक दिया मैंने। मैं गाड़ी में आके बैठा, मैंने अपनी गाड़ी रात को स्ट्रीट पार्किंग में पार्क की थी, वो अंदर जो है ना वो मेरे फ्रेंड्स की गाड़ियाँ पार्क थी, मैंने स्ट्रीट में पार्क कर दी। मैं अभी आया हूँ, मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड खुला है, इट्स मीन के सर्चिंग की गई है। यहाँ पे कॉइन्स पड़े थे वो गायब हैं, ग्लासेस वहीं पे हैं, गाड़ी का ये मिरर नीचे था, और कुछ भी गायब नहीं है, सिर्फ कॉइन्स गायब हैं। बस शुक्र मैंने किया है कि यार मेरी गाड़ी का मिरर नहीं टूटा, शीशा नहीं तोड़ा, शुक्र। अब मैंने गाड़ी बाहर नहीं पार्क कर दी, सस्ते चोर हैं, एक दो डॉलर के लिए गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि यार हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। सॉरी यार। अच्छा देखो यार, स्टूडेंट्स का या आप लोगों का ये थोड़ा, स्टूडेंट का नहीं मतलब आप लोगों का नहीं, कुछ लोग यही कहते हैं कि नहीं यार हमने ऑस्ट्रेलिया ही आना है, हमने कोई और कंट्री में नहीं जाना। ये यार थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म में आ जाता है, क्योंकि देखें कुदरत का कानून है कि अगर आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ना, आप उसको अवेल कर लें, सही है। मींस कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आपके लिए सूटेबल नहीं है तो गो सम अदर कंट्री, यूके चले जाओ, यूएसए चले जाओ, साइप्रस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, जापान चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, मतलब यार दुनिया को जाके देखो। अच्छा मैं एक और आपको एक और चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि यार देखो, अगर आप किसी और कंट्री में गए हो ना, तो आपको कम से कम ना एक ओवरसीज़ वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा, और कल को जब बॉर्डर्स खुलेंगे ना तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। उससे कहीं उसका ही फ़ायदा हो जाएगा कि यार आपको एक बाहर की कंट्री का जो आपके माइंड में एक जो वो लड्डू होता है ना, वो निकल जाता है कि बड़ा ही मौज है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा तब तक, आप रियलिटी फेस कर चुके होंगे, सही है। तो नंबर वन ये है कि बॉर्डर्स अभी खुलने का यार कोई चांसेस नहीं है। देखो यार सिडनी में इतने सारे कल 106 केसेस दोबारा से आ गए हैं, सही है। स्कॉट मॉरिसन ने आर्मी को बुला लिया कि यार हमें हेल्प चाहिए। मेलबर्न की ये सूरत हाल है, लॉकडाउन वहाँ पे भी है, सिडनी में भी लॉकडाउन लग चुका है, एडलेड में ट्यूसडे नाइट का लॉकडाउन लग चुका है। बच्चे हैं तो वो हम एलिस स्प्रिंग्स वाले नॉर्दर्न टेरिटरी वाले बच्चे हैं, हमारा यहाँ पे लॉकडाउन लगा था सिर्फ 10 दिन के लिए, और वो शुक्र है कि वो बिल्कुल सही गया, केस कोई नहीं था निकला, बस एयरपोर्ट के ऊपर एक बंदा आया था जो कि पॉजिटिव निकल आया था, लेकिन चूंकि वो 7-8 घंटे एयरपोर्ट में घुमा था, दैट्स व्हाई उन्होंने लॉकडाउन लगा के पूरे टाउन को सिक्योर कर लिया, सही है। दैट्स कॉल्ड लीडरशिप, के उन्होंने अच्छा किया, सही हो गया, अदरवाइज हम भी लॉकडाउन में चले जाते, कुछ 4-5 केस निकल आते तो बड़ा मसला होना था। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की जो मैनेजमेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल कर रही है, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है इस वक्त, स्कॉट मॉरिसन के हाथ में है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि स्कोमो जो है वो ऐसा बंदा है कि वो हर चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्ट लेता है, इवन के स्टूडेंट्स के साथ उसका एक अच्छा बिहेव नहीं है, मीन्स के स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट करके रखने का उसका माइंड है, उनको कोई अच्छी चीज़ें या मीन्स के उनको इमिग्रेशन के अंदर कोई रायत देना वो बंदा ऐसा नहीं है, सही है। फाइन, ऑल राइट, दैट्स टू मैन, दैट्स व्हाट गिव्स इट द एसेंस। ऑल राइट, तो भाई लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं फायर्स के लिए। तो अभी हम बात करते हैं गाइस न्यूज़ की, कि न्यूज़ क्या आ चुकी हैं। अबे यार मेरे बाल हवा से फिर से ख़राब हो जाते हैं, खैर छोड़ो यार इस चीज़ को। अच्छा न्यूज़ की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ के बारे में अपडेट्स क्या हैं। तो नंबर वन पे अपडेट ये है कि सिडनी के अंदर दोबारा से केसेस आना शुरू हो गए हैं, कल 106 केसेस नए आए हैं, और मेलबर्न का जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है,
और उसके बाद जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया उसमें फेज़ फोर जो है वो लगा दी गई है। सो इसका मतलब है कि लॉकडाउन जो है वो दोबारा से फिर बढ़ा दिया गया है। और लोग कल सिडनी के अंदर ऐसा हुआ है कि लोग जो है ना वो लॉकडाउन से इतने उकताए थे कि सिडनी के रोडों के ऊपर निकल आए और तकरीबन मतलब थाउजेंड्स की तादाद में लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज की और जितने अरेस्ट हो सके, मतलब अच्छी खासी इनकी आपस में कल लड़ाई हुई है सिडनी के अंदर, सही है। तो उसके उसका मींस के उसका मतलब यह है कि लोग ऑलरेडी उकता चुके हैं लॉकडाउन के बारे में। और एक एंकर जो है वो है एलन, क्या नाम है उसका, एलन जोन्स, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने इवन के एक मैं कल पढ़ा था, उन्होंने ये कहा कि एक पटिशन उन्होंने स्टार्ट की है जिस पर उन्होंने कहा है कि अब हमें एक पटिशन साइन करनी चाहिए जो कि होगी लिव विद वायरस, मीन्स कि वायरस के साथ जो है ना वो अब हमें सीखना पड़ेगा, उसके साथ रहना सीखना पड़ेगा, ये लॉकडाउन जो है ना ये ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसिस स्मॉल बिजनेसिस जो है ना वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं कि अब उनकी बस हो चुकी है। जैसे पाकिस्तानी बस हो के बाहर निकल आते हैं ना और आगे गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। कल सिडनी में ये कुछ हुआ है कि सिडनी में थाउजेंड्स की तादाद में लोग निकले और उन्होंने आगे प्रोटेस्ट किया है क्योंकि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक प्रडिक्शन उन्होंने लगा, इवन के एक सिडनी में एक टिकटॉकर है मैंने देखा यार, वो भी उसकी प्रडिक्शन को देख के ये लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पता नहीं वो उस बंदे का इंटरव्यू लिया गया, उसने ये बताया कि मैंने तो अभी खुद से प्रडिक्ट किया, देख के एक अंदाज़ा लगा के बता दिया, उसका इंटरव्यू किया गया तो बाद में पता चला कि ये प्रडिक्शन कर रहा था जो कि बाद में सही हुई। तो उस चीज़ को देख के इन्होंने लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया। अब जो एंकर है जो मैंने देखे एलन जॉन्स, वो भी यही कह रहा है, इवन कि वो बात बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी इतनी फीसें पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो इतनी देर से वेट कर रहे हैं। तो फिर उसने यही कहा कि यार फिर यही करो कि फिर जो है ना अपना लिव विद वायरस उसके साथ करना शुरू कर दो, मींस के वायरस के साथ ही जो है वो रहना शुरू कर दो। अब खुद तो ये जितने भी बड़े हेल्थ मिनिस्टर, अब जैसे क्वींसलैंड की प्रीमियर है उसको टोक्यो जाने से रोक दिया गया था क्योंकि वो टोक्यो जा रही थी और लोगों ने तकरीबन 1.5 लाख और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर पिटीशन साइन कर दी कि नहीं उसको नहीं भेजना, लेकिन वो कुछ ही दिन पहले वो टोक्यो के लिए फ्लाई कर गई। सो इसका मतलब है कि जितने भी रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट सिर्फ आम लोगों के लिए किए जा रहे हैं, जो बड़े हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। इवन के सिडनी की हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको कुछ दिन पहले देखा गया, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो कॉफ़ी पीने निकली और उसने कोई मास्क नहीं पहना। तो इसका क्या मतलब है कि रिस्ट्रिक्शंस लोगों पर लगाई जा रही हैं। तो ये न्यूज़ है ना ये बहुत ज़्यादा यार इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स स्टिल बंद है और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई अगस्त वो तो गुजर चुका है, जुलाई भी गुजर गया तकरीबन, और मैं पहले भी यही बात कह चुका था कि यार इस साल में तो मुश्किल है कि ये बॉर्डर्स को ओपन करें, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ना उनको फील हो जाता है, उनको नज़र आ जाता है, जो लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं ना उनको पता चल जाता है। तो बेसिकली जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए उन्होंने यही कहा है कि अब ये जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म करो, मींस के लोग उकता चुके हैं कि लॉकडाउन जो है ना यार वो बंद होना चाहिए, लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है। मेलबर्न के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया, सिडनी में दोबारा से बढ़ा दिया गया क्योंकि केस इतने सारे आ गए, और उसके बाद जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने स्टेज फोर लगा दी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इवन के जो हम लोग यहाँ पे हैं हम लोग वापस जाने का सोचते हैं, इवन ईद गुजर गई हम लोग ईद पे जाने का सोच रहा था लेकिन ड्यू टू कोविड हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ज़्यादा यार सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मींस के देखना सिर्फ हमारे लिए जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं वो भी मतलब उकताए पड़े हैं अब कि यार बॉर्डर्स खुले हैं, थोड़े आम हालात हों। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलिस स्प्रिंग्स में, एलिस स्प्रिंग्स जो है वो नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी नहीं है, मींस कि हमारा लॉकडाउन लगा था सिर्फ 10 दिन के लिए, उसके बाद ख़त्म हो गया और हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है। ये पीछे देखो लोग टूरिस्ट घूम रहे हैं, पूरा हमारा टाउन बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग सही जा रही है, जिम्स ओपन है, रेस्टोरेंट्स ओपन है, हर चीज़ ओपन है, लेकिन अब डोमेस्टिक ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं सिडनी मेलबर्न में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे जो है ना इन्होंने ट्रैवल बैन किया हुआ है, इन्होंने बॉर्डर्स बंद किए हैं, सो इट्स मीन के वी कॉन्ट ट्रैवल। तो मोटी मोटी जो खबर है वो उससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे एलन जोन्स ने काफ़ी, इनके एक टीवी एंकर है स्काई न्यूज़ का, उसने भी मींस के स्कोमो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो मारे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की कि यार ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, 2-3 केस निकलते हैं लॉकडाउन लगा देते हैं, लिव विद वायरस होना चाहिए, मींस के वायरस भी चल रहा है स्टिल हमें रहना चाहिए, हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो दैट्स द अपडेट्स, अब देखते हैं आगे क्या होता है, अगर आगे कोई न्यूज़ आती है तो आई विल शेयर विद यू। अब तक के लिए बस इतना ही है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और ये व्यू एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। Close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna wait.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.